वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कौम को नए साल पर मुबारकबाद। अपने पैगाम में अज़म का इजहार करते हुए कहा, पाकिस्तान को नए साल में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। 2022 पाकिस्तान के लिए तल्ख और शीरी साबित हुआ। दुआ है नया साल दहशतगर्दी महंगाई से निजात का साल हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की भी नए साल पर कौम को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा, नए साल पर हमारा वादा है कि दहशतगर्दों का सफाया करके धरती को अमन का गहवारा बनाएंगे, आने वाली नस्लों को हर तरह के खौफ से पाक मुआशरा देंगे। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, उम्मीद है नया साल कौम के लिए खुशहाली लाएगा। कौम ने कोरोना वायरस की वबा का हौसले के साथ सामना किया, हम मुश्किल दौर से निकल आए हैं। नए अस्म और नए जज्बों के साथ नए साल का आगाज। दुनिया भर के साथ पाकिस्तान में नए साल का जबरदस्त इस्तकबाल। मुख्तलिफ शहरों में आतिशबाजी। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद जश्न मनाने के लिए मजार कायद, फोर्ट ग्रैंड और सी व्यू पहुंची। लाहौर में जिलानी पार्क, आजादी चौक और बहरिया टाउन में जश्न। आसमान रंग और नूर से नहा गया। रावलपिंडी में बहरिया टाउन में भी आतिशबाजी। और ऑस्ट्रेलिया से एशिया तक रंग और नूर की बरसात। अमेरिका में सबसे आखिर में 2023 का जश्न। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर शानदार आतिशबाजी। दुबई में बुर्ज खलीफा और लंदन में शानदार आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। ऑकलैंड के स्काई टावर पर जबरदस्त आतिशबाजी। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी हार्बर पर शानदार जश्न। चीन, थाईलैंड और हांगकॉन्ग में आसमान रंगीन हो गया। जापान और जनूबी कोरिया में दिलफरेब नज़ारे। लोगों ने फैमिलीज के साथ इन लम्हों को यादगार बनाया।